कानपुर नगर में श्रवण मास के दूसरे सोमवार में दक्षिण में स्थित केडीए कॉलोनी गंगापुर मछरिया में श्री पातालेश्वर महादेव मंदिर में रविवार को देर रात भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। दूर दूर से आए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गईं और 3 बजे मंगला आरती के बाद भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तगणों ने मंदिर में जलाभिषेक करते हुए भगवान शिव के दर्शन कर भक्ति भाव से भाव विभोर हो गए। आज दोपहर श्री पातालेश्वर धाम में विधानसभा अध्यक्ष मानी सतीश माना जी भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर श्रद्धालुओं से मुखातिब हुए। सनातन धर्म में श्रवण मास का विशेष महत्व है। ये महादेवों के देव अति प्रिय हैं। सावन के महीने में भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि सावन मास में भगवान शंकर की पूजा व सोमवार का व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल सावन मास का प्रारंभ 14 जुलाई से गुरुवार से शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। भगवान भोलेनाथ को यह महीना अति प्रिय है। आज सावन के महीने का दूसरा सोमवार है। बात अगर शिव मंदिर की जाए, शिव भक्तों की जाए, तो कानपुर नगर में यहाँ पर 4 जो है फेमस प्रसिद्ध शिव मंदिर हैं, जिनमें कि अगर कानपुर पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में सिद्धनाथ, पश्चिम में बाबा खेरेश्वर शिवराजपुर में, उत्तर में बाबा आनंदेश्वर और दक्षिण में अगर बात की जाए तो दक्षिण में बाबा पातालेश्वर नाम से एक बाबा भोलेनाथ का बहुत ही बढ़िया स्थान है और बहुत ही उत्तम स्थान है। इस स्थान की महत्ता बताई गई है, बहुत ही पौराणिक महत्ता बताई गई है। क्योंकि आज सावन का दूसरा सोमवार है तो दूसरे सोमवार में भक्त लगातार सुबह से ही बाबा के दर्शन को उमड़ पड़े हैं। सुबह से तड़के से ही, भोर से ही यहाँ पर भक्त जो है लगातार भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो यहाँ पर क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी क्षेत्रीय जो पुलिस बल है वो मौजूद है, लगातार सुरक्षा देख रहा है। और बात अगर मंदिर में सेवादारों की जाए तो आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगा करके व्यवस्था की गई है और लगातार पुलिस प्रशासन से लेकर के मंदिर के सेवादारों से लेकर के व्यवस्था में जुटे हुए हैं। साथ ही भक्तों को बराबर दर्शन मिल सके, महिलाओं की अलग कतार चल रही है, पुरुषों की अलग कतार चल रही है और लगातार बाबा के दर्शन सभी भक्त जो है वो कर पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर दर्शन के उपरांत भक्तों के प्रसाद और व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए। मंदिर कमेटी द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बड़ी लंबी लाइन है, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत ही बढ़िया अलग लाइन की व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। मंदिर के चारों तरफ जो है मेन रोड है उनमें बैरिकेड कर दिया गया है ताकि बड़े वाहन ना आए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो सके, उनके लिए अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और मंदिर के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को और दिनों में भी लगातार भंडारा और प्रत्येक सोमवार को स्तरभर वितरण चल रहा है। पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किया है? पुलिस प्रशासन सुबह चार बजे मैं यहाँ जाता हूँ, सुबह 4 बजे से और रात्रि 12 बजे तक उनकी ड्यूटी लगाई गई है। लगभग 10 से 12 पुलिस के जवान यहाँ पे परमानेंट तैनात हैं और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, जिससे माहौल खराब ना हो। क्योंकि ये जो मंदिर है ये कानपुर नगर के प्रमुख मंदिरों में से एक है जी, तो लगभग कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने लोगों को लगभग दर्शन करने का अनुमान बताया जाए? सावन का सोमवार होने की वजह से भीड़ बहुत अधिक है, डेली 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं और अन्य दिनों में भी डेली 10-20 हज़ार 25 हज़ार श्रद्धालु रोज यहाँ पर आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं।